तमाम अजीज मेहमानों, बच्चों और मैडम निकत से खान को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो है औरतों के हकूक। औरतों को उनका पूरा हक नहीं मिलता। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी औरतें ऐसी भी हैं जिनको उनका पूरा हक नहीं मिलता। हमारे शहर तोबटेक्स में मैंने खुद बहुत सारी औरतों को सड़क पर काम करते देखा है। क्या वो औरतें दफ्तरों या अच्छे अहदों पर काम नहीं कर सकती? लोग औरतों पर क्यों जुल्म करते हैं? क्या वो इंसान नहीं? हमारे शहर में औरतों पर बहुत से तशद्दुद किए जाते हैं, जिनमें है जिस्मानी तशद्दुद, जिंसी तशद्दुद और नफ्सियाती तशद्दुद। जिस्मानी तशद्दुद के हवाले से मैं आपको अगले शहर के बारे में वाकया बताता हूँ कि एक औरत थी, उसको इसलिए मारा गया क्योंकि उसने एक मुसाफिर आदमी को पानी पिलाया था, इसलिए उसके ससुराल वालों ने उसे डंडों से मारा। क्या किसी को पानी पिलाना गुनाह है? मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, मैं आपको अपने शहर तोबटेक्स का एक और वाक्य सुनाता हूँ। हमारे शहर में एक लड़की के माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी एक आम आदमी से करा दी जो कोई कामकाज नहीं करता था वो ज़्यादा वक्त अपने घर से बाहर आवारा गर्दी में गुजारता था। उनके घर में खाने पीने के लिए कुछ चीज़ ना थी, उनके घर माली हालात अच्छे नहीं थे, इसी वजह से वो किसी और आदमी के साथ भाग गई। अगर उसे लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, अगर उसकी जगह पर कोई और आदमी होता तो उसे हमारे माशरे में उसे कोई बुरा भला ना कहता। और मैंने अपने शहर टोबटेक्स में देखा है कि एक आदमी ने अपनी दो बेटियों की शादी एक 35 साल के आदमी से करा दी। उसकी बेटियों की उम्र 12 और एक की 14 साल थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और मैडम निकत सईद खान, हमारे मुंह ऐसे कानून बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इन तशद्दुद के वाकयात की रोकथाम कर सके और कानून उनको अपने हकूक में बारे में बता सके। शुक्रिया।